जावेद साहब जो है सांसद हमारे भाई, इनको मेरा MIM छोड़ने का एक ही मकसद है कि ये पार्टी जो है किसी एक समुदाय का पार्टी है और एक समुदाय से जो है ये इलेक्शन लड़ा नहीं जाता है या किसी जगह में इलेक्शन जीता भी नहीं जाता है। और इसमें क्या है कि फिरका प्रस्तान जो है जो बात सामने पेश आता है, भाई हम किसी हिंदू भाई के घर में अगर गए या दलितों के घर गए तो भाई MIM के आदमी हैं, तो हमको हर किसी को लेके चलना है। सेकुलरिज्म का नाम जो है सबको मिलजुल कर लेकर के हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, कोई एक पार्टी हिंदुस्तान को लेके आज़ाद नहीं हुआ है। इसमें दलित भी कुर्बानी दिया है, तो मुसलमान भी कुर्बानी दिया है, तो इसमें हिंदू भाई भी कुर्बानी दिया है, सब धर्म के लोग कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद किया है और हर किसी का खून बहा है। लेकिन हम एक समुदाय को लेकर के अगर लड़ रहे हैं तो ये हमारी गलती है। दूसरी महासिभा यह है कि हम ठाकुरगंज से हमें टिकट मिला, हम ठाकुरगंज से जो है MIM से इलेक्शन लड़े हम, तो हमारे साथ में वो सोचलापन वाला व्यवहार का काम किया कि टिकट तो दिया लेकिन ना कोई प्रोग्राम में कोई पार्टी ने साथ दिया, ना एक तो बैनर दिया, ना कोई टीम का कोई आदमी जाके वहां पर शामिल हुआ। हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो सदर हैं MIM के, उसने जो है ना अपने इलाके के किसी वर्कर को कहा कि नहीं भाई हाफिज माहू को टिकट दिया गया है, आप टिकट जो है उनको दिया गया, उनको वोट सब कोई मिलजुल करके करें। तो हमसे हर तरह से जो है सौतेलापन वाला व्यवहार का काम किया, क्योंकि हमारे बाप दादा पुश्तनिया 70-75 साल कांग्रेस इस देश में राज किया। हम सोच रहे हैं कि हमारी गलती था कि हम कैसाल जो है दूसरी पार्टी को देखें कि भाई इस पार्टी में क्या है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पार्टी अंदर से इतनी खोखली है, ये तो सिर्फ एक किराना दुकान लगा करके बैठा हुआ है, ये सिर्फ एक किराना दुकान है, ये होलसेल दुकान नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है, ये कारोबार है और है कुछ भी नहीं है। अब मैं एक बात ये बात कह देना चाहता हूँ पूरे सीमांचल के लोगों को कि मैं हमारे जावेद आजाद साहब जो MP हैं, भाई इसको कश्मीर ना बनाएं। मैं ये बात कहता हूँ कि भेदभाव ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय का कोई बात नहीं है। मिलजुल करके हमारे MP साहब को आप लोग सब कोई वोट करें और इस बार हम लोग को सरकार बदलना है। हमको BJP से बाहर किस तरह से सरकार से हम बाहर निकले कि ये इस तरह से जो है फिरौनियत जो कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये फिरौनियत कैसे खत्म हो, इसके लिए एक ही पार्टी को चुनना पड़ेगा, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस ही 75 साल से इस देश में राज किया है और इस ये देश ही ऐसा है जो हिंदुस्तान को बचा सकता है, क्योंकि ये फैमिली कांग्रेस के जो फैमिली है हर एक एक व्यक्ति जो है गोलियों के निशाने पर आए और अपने जो है नाम पर इस देश के नाम पर शहीद हो गए, एक नहीं उनके पूरे खानदान शहीद हो गए। उनके लिए भी हम लोगों को सोचना है कि भाई ये देश कैसे बचेगा, इस देश के लिए हम लोग को क्या करना है, इस देश के लिए जो है जो कुर्बानी दिया है उसे हम लोग को वोट देना की भी हक है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब किसी भी पार्टी में फिरौनियत नहीं चलता है, किसी भी पार्टी में चाहे कोई भी हो। आज हम कांग्रेस में अगर शामिल हुए हैं तो मैं हमारे MP साहब हमारे MLA साहब को भी कह रहे हैं कि हमारे जितने कार्यकर्ता है, मेरा भी तो कार्यकर्ता है, 500,000 2000 10,000 20,000 आदमी हम MLA लड़े हैं, इलेक्शन लड़े हैं, तो हम लोग को साथ में लेके चलना इन लोगों को जरूरी है। ये नहीं है कि मुठ फेर करके पार्टी में जोड़ लिए और फिर हम उसको छोड़ दिए साथ में, तो ये फिर पार्टी चलने का कोई काम नहीं होता है जिस तरह से MIM ये कर रहा था। MIM का एक ही मकसद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से ये MIM पार्टी सीमांचल के अंदर आया है, एक भी पुराना कोई अगर पार्टी में अगर ज्वाइन है, चार विधायक आए चले गए, कमल साहब आए चले गए, हमको टिकट मिला हम चले गए, कौन है भाई, कोई है? ये लोग सिर्फ साल दो साल में लोगों को बदल करके उनसे काम ले लेते हैं, उनके बाद उनको उनका पीछा छोड़ देते हैं। ये पार्टी इसी का नाम MIM है, इसी पार्टी का नाम MIM है। कि पूरा आज कांग्रेस के जितने भी हैं, आज मैं तो कहता हूं कि MP साहब हमारे हैं, मैं मौजूद है, हम लोग मेरे घर में है, वो बड़ी फखर की बात है कि भाई हमारे घर आए हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि उनके बाप वो लेके अब तक इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, कभी कोई दूसरे पार्टी में नहीं गया, आज तक इसी पार्टी में जुड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह का कर्म है कि आज तक अल्लाह के फजल करम से
कुर्सी ही में बैठे हुए हैं और समाज का सेवा ही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इससे बेहतर हमारे एमपी साहब इससे बेहतर काम करके आप लोगों को दिखाएंगे। इस बार इनको वोट देकर के भारी मतों से आप जो है आप लोग कामयाबी करें, इंशाल्लाह हम लोग सब साथ हैं और सब साथ मिलकर हम लोग रहेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोगों ने इस बार मन बना लिया है, ये इनका भ्रम फैलाया जा रहा है इनके तरफ से। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा क्या बदलाव हो रहा है। और किशनगंज में भी जावेद जी ने जो जावेद जी ने काम किया है उसका तुलना किसी सांसद से बिहार में नहीं किया जा सकता है। MIM के लोग कहीं कंटेस्ट में नहीं है, कंटेस्ट में जो लोग हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है। और किशनगंज की जनता समझ रही है कि मोहम्मद जावेद जी को ही जिताने से हमारा किशनगंज आगे बढ़ेगा। जो 5 साल उन्होंने काम किया है वो एक मिसाल है, लोगों को देखना चाहिए। हम भी किशनगंज में आए हैं और अपने संगठन के लोगों से हमने अपील किया है और हमको पूरा उम्मीद है कि किशनगंज की जनता दोबारा फिर से मोहम्मद जावेद जी को पूरी बहुमत के साथ पूरी ताकत के साथ जिताएगी।